शनिवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम के कई वार्ड पार्षद, पूर्व पार्षदों और कुछ सामाजिक लोगों ने शहर के एक निजी सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्षदों ने वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के निगम पार्षद पद से इस्तीफा देने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने निगम के शिथिल कार्यों को देखते हुए ऐलान किया था कि जब बैंक रोड, सूतापट्टी रोड की ढलाई पूरी हो जाएगी तो वह अपने निगम पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजय केजरीवाल शहर की समस्याओं को हमेशा उठाते रहते हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जन सुराज के संगठन महासचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि संजय केजरीवाल निगम में अनुभवी और जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोगों में एक हैं। इनके अनुभव और इनके विचारों की निगम को जरूरत है, इसलिए इन्हें अपने कार्यकाल को पूरा करना चाहिए और जनता के मुद्दों और परेशानियों को उठाना चाहिए। प्रेस वार्ता में वार्ड 34 से सतीश कुमार सिंह, रियाज अंसारी, रमेश केजरीवाल, नुरैन आलम, मनोज पासवान, विजय झा, सीमा झा, रविंद्र महतो, कैश आलम, सूरज कुमार, संतोष महाराज, राकेश कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे। अभी तो इस्तीफा दिए नहीं, फिर भी आप लोग मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अपने स्वभाव के थोड़ा जिद्दी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था कि बैंक रोड की ढलाई की काम पूर्ण होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। चूँकि हम लोग उनके साथ उठते बैठते हैं, वो इस्तीफा की तैयारी कर रहे हैं, मन बना चुके थे और उस मन पर ये चल भी रहे हैं, तो संभवतः वो 2-3 दिनों में इस्तीफा दे दें। तो जब हाथ से ही निकल जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि वो इतने अनुभवी है नगर निगम बोर्ड में। आप लोग उनके कार्यकाल को देखेंगे तो यह पाएंगे कि वार्ड 20 की जो सम्मानित जनता ने उनको सम्मान देकर उनको पार्षद बना के नगर निगम में भेजा, वो अपने जनता का अक्षर अक्षर वोट का वो ये दे रहे हैं संज्ञान कि वो शहर हित में बात कर रहे हैं। आज खुशी की बात है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय से कुछ घंटों पहले नगर आयुक्त द्वारा ट्रेड लाइसेंस पे जो ब्याज लेना था उसको माफ़ करने का एक लेटर वो जारी किए हैं 31 मार्च तक के लिए। ये कहीं ना कहीं बोर्ड के बैठक में एक अनुभव को दिखाता है। वो कभी भी अपने वार्ड के नाला और रोड के बारे में बात नहीं किए। उन्होंने बात किया व्यापारियों के बारे में, उन्होंने बात किया उन घर वाले के बारे में जहाँ टैक्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं शहर की चिंता उनको है। नगर निगम बोर्ड में अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे निगम क्षेत्र जो है पूरे शहरी क्षेत्र को संभालता नगर निगम बोर्ड ही है। उसमें ज्ञान दर्शन, अनुभव दर्शन के लिए संजय केजरीवाल का होना अनिवार्य है। इन्होंने जो मनसा बनाया है त्याग देने का, उनको अपने इस पर विचार करना होगा। हम लोगों ने, रियाज अंसारी जी ने मंच से हमारे सभी गार्जियन, बड़े अभिभावक, पार्षदगण, पार्षद मित्र, प्रतिनिधि, सभी कोई व्यापारी संघ से आए लोग, सबों ने आह्वान किया है 72 घंटे के अंदर में वो अपने शब्दों को वापस ले, वो त्यागपत्र देने का विचार न करे। उनकी अनुभव की आवश्यकता इस बोर्ड में है, क्योंकि इस बोर्ड में अधिकतर महिला पार्षद जीत के आई हैं और हमारी महापौर भी महिला हैं और वो काम अच्छा कर रही हैं, पर उनको भी काम करने के लिए किसी भी गाड़ी को चलने के लिए सड़क पे सड़क स्मूथ होना चाहिए। तो उस सर अच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों बेचैन? हम लोग बेचैन इसलिए कि चिंता शहर की है। वार्ड 20 के लिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, वो लड़े थे वो उन व्यापारियों के लिए। सिर्फ वार्ड 20 की ही जनता सूतापट्टी में नहीं रहती है, वो अलग अलग वार्डों से आके वहाँ व्यापार करते हैं और बाहर के भी लोग आते हैं। जब शहर की चिंता किसी लड़के को है तो उस लड़के को लड़ना होगा, और वार्ड 20 की जनता ने उनको 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना है, तो जनता ठगा हुआ न महसूस करे। उनको अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करना होगा, करते हुए वो शहर की चिंता करे, शहर के लिए लड़े। हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन वार्ड की 20 की जनता ने जो इतने अच्छे अनुभवी और प्रतिनिधि को चुन के भेजा है वो प्रतिनिधि रहनी चाहिए 5 सालों तक। ऐसा आपको ये नौबत उनका तब आया जब उन्होंने अपने बल से, जिस समय ये सूतापट्टी की स्थिति बनी, आप मीडिया बंधु को सभी चीज़ ज्ञात है, जहाँ 2 घर है वहाँ भी सिवलेज का लाइन जा रहा है। पैसे की बर्बादी को रोकने का उद्देश्य था उन समय में नहीं करने का काम, जिस समय व्यापार का समय आ चुका था। उनका यह कहना था जब 10 दिसंबर महीना में 14 के बाद लगन समाप्त होगा और 14 जनवरी के बीच में काम करेंगे तो व्यापारियों को भी नुकसान नहीं होगा, व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के लिए वो जीत पे रहे। लेकिन व्यापारी समाज के ही कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों ने कहा कि व्यापारी का काम आंदोलन करना नहीं है, उन लोगों ने इसे दिशाविहीन कर नगर आयुक्त को गुमराह करने का कार्य किया। नवीन कुमार अच्छे नगर आयुक्त है, वो उस बातों को समझ न सके और त्वरित
अवैध कार्रवाई करते हुए सूता पट्टी को कोड़ने का काम किया, जिससे व्यापार बहुत बाधित हुआ और जन की क्षति भी बहुत हुई, जो आप लोग देख रहे हैं। तो ये बात तो आप लोग घर पर भी जाके कर सकते हो, तो फिर हम लोग घर पे गए थे, हम लोगों ने उनसे कहा, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपनी त्याग देने की बात भी आप मीडिया के माध्यम से ही लोगों को बताने का काम किया है, तो हम लोग अब आपके शरण में आ गए हैं। ऐसा तो नहीं कहीं लोकसभा या विधानसभा की तैयारी, अगर बड़ी राजनीति की वो तैयारी करती है तो करते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, हमारे कालिक स्वर जो MLC हैं, वो मुखिया रह चुके हैं, मुखिया रहते ही उन्होंने और कार्यों को किया है, तो नहीं रहे इसराइल मंसूरी जी रहे, तो फिर आप पार्षद पद पर रहते हुए कीजिए ना, हम लोगों को आपत्ति नहीं है। आप अगर आपके किस्मत में होगा राजयोग तो आप राज को प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी जिस चीज़ के लिए आपको मिला है उसको आप पूर्णतः 5 साल पूरा करें। हम लोग ये बताना चाहेंगे मंच के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से, शहर की जनता यही चाहती है। अगर आप अपने विचार को वापस नहीं लेंगे, अपने जिद्दी स्वभाव पर रहेंगे, तो हम लोग भी आपसे बड़े जिद्दी हैं, हम आपके घर के आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मेरा नाम संजीव गुप्ता, संगठन महासचिव जनसुराज। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान, माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9939475311। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट डिजिटल पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।